जयश्रीराम, जय हनुमान, बोल हनुमान गाड़ी की जय। आप यहाँ पूरा उत्साह जो है वो यहाँ देखने को मिलेगा आपको। ये देखिए, अभ्यास चल रहा था, आज अयोध्या में मौजूद हैं आप और यहाँ पर रामलला का स्वागत कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल, हमें बहुत है ना अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब एक पॉजिटिव वाइब आ रही है, जो हमारे भगवान रामलला उनको विराजमान होते हम इस जीवन काल में देख पा रहे हैं। तो हमारे आने वाली कम से कम 500 वर्षों में कितनी पीढ़ियाँ होंगी जो नहीं देख पाई है सपना पूरा होता है, हम देख पा रहे हैं, हमारी खुश नसीबी है, भगवान का आशीर्वाद है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं इनकी उंगलियाँ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं सर, उंगलियाँ सबकी जो है वो कट जाती है, खून में नहीं लगता है, छाले पड़ जाते हैं सारे उंगलियों में, यहाँ से माता काले निकल जाते हैं। भगवान की भक्ति में सब रंगे सब रंगे हुए हैं, भगवान की भक्ति में देख सकते हैं आप यहाँ पर सबके हाथ। एक बार मेरे कैमरा पर्सन जरूर ये दिखाएं, ये देखिए यहाँ पर हाथ पूरे लाल हो चुके हैं। जी आपका क्या नाम है? विक्रम शर्मा। लगातार पूरे देश में आपकी चर्चा हुई, आपके अभ्यास को सबने देखा और आज जब रामलला विराजमान हुए अयोध्या में, आज आप यहाँ पर पहुंचे और कैसा महसूस हो रहा है अभी? बड़ा उत्तम महसूस हो रहा है, बड़े सालों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई हम लोगों की और इसी खुशी में हम लोग अभिवादन कर रहे हैं राम जी की सेवा को। ये हाथ सबके मैं देख रहा हूँ, सबके हाथ मतलब थोड़ा बहुत छिल जाता है तो प्रभु का प्रसाद है हमारे। देखिए भगवान की भक्ति में सब रंग चुके हैं यहाँ पर, तो हाथों में लगी है उसका कोई यहाँ पर मोल नहीं है भगवान की भक्ति के आगे। और देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये कई महीनों का अभ्यास है और आज उसके बाद यहाँ पर रामलला जब विराजमान हुए अयोध्या में 496 वर्षों के बाद, देख सकते हैं एक तरफ डमरू बज रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं और पूरा इस समय जो है अयोध्या में श्री बाबा बटुकेश्वर कीर्तन समिति भोपाल का जो इस समय ये वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, सब जगह जो है यही वाद्य यंत्र इस समय जो है गूंज रहा है और पूरी दुनिया में इस समय जो है वो रामलला के स्वागत में इसी तरीके से जो है यहाँ पर हर जगह उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है।
तो श्री बाबा बटुकेश्वर कीर्तन समिति भोपाल की तरफ से जो है आप देख सकते हैं वाद्य यंत्र यहाँ बजाया जा रहा है और लगातार हमने देखा इनके प्रैक्टिस के वीडियोस, हमने लगातार अभ्यास के वीडियोस इनके देखे थे और आज अयोध्या में इनका जो है वाद्य यंत्र है यहाँ हम देख रहे हैं और बेसब्री से जो है पूरे देश को इंतज़ार था कि कब ये भोपाल की टीम यहाँ पहुँचेगी और उसके बाद ये उत्साहवर्धक जो है नगाड़ा ढोल जो है वो यहाँ पर बजाएगी और बहुत मेहनत इसके पीछे लगी है, बहुत अभ्यास इसके पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ बड़े इस समिति में आप देख सकते हैं बड़े लोग भी हैं, तो वहीं युवा लोग भी जो है वो यहाँ पर इस समिति का हिस्सा है जो आज भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारी टीम में सारे तरह के लोग हैं, बच्चों से लगा के बड़े तक हैं। बहुत ज़्यादा चर्चा थी आपकी यहाँ पहुँचने से पहले भी, सब जगह वीडियोस देखे जा रहे थे कि कब ये ग्रुप आएगा, कब अयोध्या पहुँचेगा और सब में उत्साह का जो है एक जोश इस वाद्य यंत्र से होगा। बिल्कुल, अब आप देख ही रहे हैं जैसे हम लोग कीर्तन कर रहे हैं तो राममय और शिवमय प्रस्तुति तांडव कर रहे हैं, बाकी ईश्वर इच्छा जो हमसे अच्छे से अच्छा करा लें। बिल्कुल, और साथ में रामलला विराजमान हुए आज 500 वर्षों के बाद। बिल्कुल, हमारे रामलला विराजमान हुए और हमारे स्वयं हम भी राम दरबार पुष्पक विमान में विराजमान होकर भगवान को लाएं। आप देख सकते हैं पुष्पक विमान जो है वो भी इनकी तरफ से यहाँ बनाया गया है जिसमें रामलला विराजमान होके आ रहे हैं और आज अयोध्या नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज जो है उत्सव चल रहा है राम। बिल्कुल, राम के नाम का जादू ही अलग है, उनकी राम की माया राम ही जाने, उन्हें हमारे पूर्वजों का सत्कर्म थे, हमारे माता पिता का आशीर्वाद था जो हम जीते जी इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं। ये हम तो कुछ दिनों से देख रहे हैं आपका अभ्यास, लेकिन कितने महीने कितने साल इसमें लगे होंगे? हमें 6 साल लग गए इसमें। हाँ, और हम 6 साल से कार्य कर रहे हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं, कीर्तन करते हैं, इससे हम काशी में देखे आ चुके हैं, महाकाल में देखे, शाही सवारी में, अभी तक रामलला का हमें यहाँ का निमंत्रण पत्र था। पानी भी पीजिए साथ में, लगातार आप जो है वो लोगों में उत्साह जो है भर रहे हैं। 6 साल जो इन्होंने बताया, 6 साल का जो है समय लगा, ये आज तो इनकी परफॉर्मेंस दिख रही है आपको, लेकिन इसके पीछे की मेहनत जो है वो मेहनत के बाद आज जो है यहाँ तक ये पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर। सर पहले इसका वजन बताइए, कितना वजन है? 40 किलो समथिंग। 40 किलो, और इसको उठा करके आप बजा भी रहे थे धुन के साथ और घुमा भी रहे थे, ये सब साधना का कमाल है। कितने वर्ष लग गए इनके पूरे अभ्यास में, हम तो आज देख रहे हैं लोग थिरक रहे, लेकिन इसके पीछे की जो कठिनाई है ये 6 साल का अथक प्रयास है। 6 साल का अथक प्रयास, तो 40 किलो इसका वजन है, उठा करके घूम भी रहे थे आपने देखा विजुअल्स में, और पूरे देश में चर्चा थी आप जब अभ्यास कर रहे थे सब लोग, और आज सब आपको जो है देखना चाहते थे अयोध्या में और आज देख रहे हैं, सब में उत्साह आ गया है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं, पूरा देश देख रहा है, बहुत सौभाग्य है हम सबके लिए। रामलला विराजमान हुए 500 वर्षों के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, रामलला विराजमान हुए, हम उस पल के साक्षी बने, ये हमारे लिए बहुत है। देखा सबके हाथों में पट्टियां बंधी हुई है क्योंकि 6-6 घंटे 8-8 घंटे लगातार अभ्यास चल रहा था। जी, ये सब प्रैक्टिस के दौरान भी हमें जब लग जाती है, छिल जाता है, उसके बाद ये सब लगाते हैं या उससे बचने के लिए ये सब लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और देख सकते हैं आप यहाँ सब जगह पूरे देश में इस समय यही माहौल है और श्री बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति भोपाल की तरफ से जो है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये जो आज आपको देखने को मिल रही है परफॉर्मेंस, इसके पीछे 6 साल की कड़ी मेहनत है। अगर आप देखेंगे, हमने आपको पहले भी दिखाया, उंगलियाँ इनकी देखेंगे तो पूरी तरह से जो है घायल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद राम जी की भक्ति में सब जो है रंगे हुए हैं और कहीं ना कहीं अयोध्या में इस समय आप देख सकते हैं पूरा माहौल जो है वो इस समय राममय है और पूरी दुनिया में राममय माहौल हो चुका है। पूरी दुनिया इस समय जो जय श्री राम के नारों से गूंज उठी है क्योंकि रामलला आखिरकार आज के दिन, वो ऐतिहासिक दिन है 22 जनवरी 2024, सुनहरे अक्षरों में अब ये लिखा जा चुका है, सदियों सदियों तक अब ये लिखा जा चुका है, जब 500 वर्ष के जो है लंबे अंतराल के बाद रामलला फिर से विराजमान हुए श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में। और कहीं ना कहीं आपके यहाँ भी जो है उत्सव मनाया जा रहा होगा, आपके यहाँ किस तरीके से उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि अभी जैसे जैसे समय ढलता जाएगा वैसे वैसे दीपावली आप देखेंगे पूरे देश में, पूरी दुनिया में दीपावली जो है वो मनने वाली है, दीपोत्सव भी शाम को होने वाला है और आतिशबाजी भी जो है होगी और पूरी दुनिया आज जगमगा उठेगी श्री राम जी के राम से। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अर्जुन खजूरिया।